अस्सलाम वालेकुम गाइस, मैं अरसलान ऐश और आज मैं एनालाइज करूँगा अ काइंड ऑफ या कमेंट्री करूँगा अपने मैचेस पे जो कि मैंने अभी रिसेंट KF का टूर्नामेंट विन किया है। अभी स्लैश ने करवाया था मैंने, इसके अंदर वो मैंने विन किया, उसके अंदर मेरे बहुत ज़बरदस्त मैचेस आए हैं, बहुत अच्छे अच्छे कमबैक्स हुए हैं उस मैच के अंदर। और कुछ मैचेस मैं आपके साथ शेयर करूँगा जो कि मोस्ट हाइप मैचेस हैं टूर्नामेंट के अंदर, और लाइक ये कोई FT2 है तो बहुत मज़ा आएगा आपको मैच देखकर। ये वाला मैच स्पेशली जो जूनी के साथ है, जूनी के बारे में बता दूं आपको, सब मेरे बारे में जानते हैं, मैं किंग ऑफ फाइटर टेकन दोनों खेलता हूँ। आज के ज़रा किंग ऑफ फाइटर खेल रहा हूँ क्योंकि टेकन के टूर्नामेंट्स अभी नहीं आ रहे, और जब आते हैं तो मेरा वीज़ा लेट आ जाता है, टाइम पर नहीं आता। तो जूनी कराची का वन ऑफ द बेस्ट प्लेयर है कराची के अंदर किंग ऑफ फाइटर का, और इसके मेन प्लेयर यूरी एलिजबेथ, मतलब जो भी टॉप टीयर चल रहे होता है ऑलमोस्ट वो खेलता है, बहुत टैलेंटेड है, उसका प्ले स्टाइल बहुत ज़्यादा यूनिक है, अब बहुत अलग तरीके से खेलता है जो मेरा एक्सपीरियंस रहा है आज तक। मैं जितने भी लोगों से खेला तो कुछ लोगों का स्टाइल कुछ से मिलता जुलता है, आप इसका किसी से रिलेट नहीं कर सकते, इसका बहुत अफरा तफरी वाला स्टाइल है और बहुत यूनिक प्ले स्टाइल है और अच्छा भी है। मैं बुराई नहीं कर रहा कि बुरा है, आई थिंक अच्छा भी है क्योंकि कोई इस तरह नहीं खेला। तो आपको जूनी को हराने के लिए या जूनी से जीतने के लिए आपको जूनी के साथ खेलना पड़ता है थोड़ा सा, क्योंकि अगर पहली दफ़ा जूनी से खेलते हैं तो आपको नहीं समझ आ रही होती कि वो क्या कर लेगा आपके साथ, तो उसके लिए जूनी के साथ खेलना बहुत ज़रूरी है आपको। तो मैं काफ़ी दफ़ा खेला हूँ, कराची के अंदर 2 मैचेस हुए थे, एक वो जीता था, एक मैच था, फिर लाहौर के अंदर हुआ था, वो मैच जीत गया था। तो उसके बाद FT मैचेज़ मोस्टली प्रैक्टिस हो रही होती है, आप उसको सीरियस नहीं ले सकते, लेकिन उसके बाद ये वाला मैच टूर्नामेंट के अंदर हम मिले आपस में और बहुत मज़ा आएगा गाइस आपको देख के। चलो हम स्टार्ट करते हैं, रेड बुल पेज, अरसलान ऐश वर्सेस मिस्टर जूनी। ओके स्टार्ट हो गया, वेनिसा वर्सेस वेनिसा। अगर कुछ लोग नहीं जानते तो वेनिसा इस गेम की अभी तक की फर्स्ट पर जो हम कहते हैं पॉइंट पोजीशन पर सबसे स्ट्रॉन्ग है, वेनिसा के बाद गाटो है, आई थिंक गाटो ज़रा स्ट्रॉन्ग है वनीसा से अब, और वनीसा का एंटी भी है, तो आई थिंक अब पोजिशन चेंज हो गया, अब सबसे स्ट्रॉन्ग पॉइंट पर गाटो है, लेकिन गाटो को क्योंकि फायर बॉल करके तंग कर सकते हैं, तो मैं थोड़ा फोकस कर रहा हूँ कि क्या चल रहा है। मेरी वाली कौन सी है? ओके मेरी ग्रीन है। हाँ, मेरी ग्रीन है। ओके तो उससे मैं ग्रैब करने की कोशिश की थी यहाँ पर जो कि ना काम हो गया था, यहाँ +1 मिलता है मुझे अगर EX कैंसिल करूँ मैं, अगर सादा कैंसिल करता तो -1 मिल जाता है। -1 ये मैंने क्यों खाया मैं समझ रहा हूँ। अगर तो हम बात करते हैं गाटो की, तो गाटो अभी नंबर 1 पर है इसके अंदर क्योंकि 3 पोजीशन होती है आपके पास, 3 करेक्टर्स होते हैं, तो फर्स्ट पर पॉइंट पोजीशन होती है, वहाँ पर आप उस तरह का करेक्टर लेते हो जो पॉइंट पे चलता है, सेकंड पे आप उस तरह का करेक्टर लेते हो जो सेकंड पे अच्छा चलता है, और ऐसा करेक्टर जो अगले को थर्ड पोजीशन पर आपको डब्बे दे जाए, मतलब डब्बे मतलब पावर्स आपको दे जाए, तो उस तरह का करेक्टर आपके पास होना चाहिए जो कि ना सब कुछ यूज़ कर ले बल्कि अगले को भी दे के जाए। और गाइस ये वाला मैचअप बहुत बैड आती है ना वर्सेज वनीसा, बस मैं चाहता था मैं किसी तरह जीत जाऊँ ये, अगर मैं ये वाला हार जाता ना ये वाला राउंड तो मैं एंड वाला गारंटी हार जाना था, तो बस मैं चाह रहा था कि किसी ना किसी तरह मैं ये वाला जीत जाऊँ, अतीना से वनीसा मार दूँ। अब ये वाला मैं बहुत बुरा शायद खेलूँगा, देखते हैं। अतीना की स्ट्रेंथ जो है अतीना के फायर बॉल में, आपने आपको राउंड के अंदर 1000 भी फायर बॉल छोड़ने पड़े ना तो आप छोड़ो अतीना अगर आपने खेलना तो, और मैंने वो काम किया ही नहीं। ये देखो आई थिंक ये इसने बेट अच्छा करवाया था, मतलब मैं समझा था कि वो वाला होल्ड वाला फायर बॉल आएगा और मुझे लग जाएगा, लेकिन यहाँ पे बड़ा अच्छा बेट नाइस चमक गया, उसने सारा कुछ वेस्ट कर दिया, बनता भी था यहाँ पे तीना को मारना, क्योंकि तीना ना मरती तो बहुत मसला हो जाना। नाइस अब मेरे पास आ गया लिजबेथ लास्ट करेक्टर, और उसके पास है यूरी, यहाँ से आपको बहुत मज़ा आएगा। अच्छा अगर जिनको नहीं पता जो कि नहीं पहली पहली बार गेम देखते हैं मेरे चैनल के ऊपर, तो एलिजबेथ अभी तक 2 फिनिशर हैं गेम के अंदर सबसे बेस्ट, उनमें से एक एलिजबेथ है और एक टैरी, ये अभी तक टॉप के फिनिशर जा रहे हैं, आई थिंक फिनिशर मतलब लास्ट पोजीशन पे जिनको एंकर भी कहा जाता है, तो ये टॉप 2 एंकर्स हैं। आपने अगर एंकर चूज़ करना या तो आप टैरी कर लो या तो आप एलिजबेथ कर लो। ओके यहाँ पर बहुत बुरी पोजिशन होने वाली है। नाइस मैं जंप में सोचा था मैं ब्लॉक करवाऊंगा लेकिन ब्लॉक नहीं हुई जंप,
अब इसने सेफ जंप मारने की कोशिश की थी मैंने। मेरा आखिरी मिनट से दो करेक्टर पड़े हैं उसके बाद, उसके बाद इसकी लिस्ट पड़ी हुई है ऐसे ग्रैब की थी और मेरे से हर बड़ाहट में जंप लगी थी, मैंने जंप लगाई नहीं, उसे सही गेस किया था, मैंने जंप लगाई नहीं तो हो गई थी। अबे क्या होने वाला है यहाँ पर, पावर देखो मेरी तरफ। आज मेरी पावर चेक करो, बिल्कुल बिल्कुल थोड़ी है। अब यहाँ से देखते हैं हम जी सकते हैं कि नहीं जी सकते। ये बहुत ही एक मैं टूर्नामेंट में सोचा था कि यार अभी कुछ थिंकिंग नहीं थी मेरी इस टूर्नामेंट अभी इस बारे में इस पॉइंट पे कि यार कुछ होगा नहीं होगा, बस मैं चाह रहा था कि अच्छा कुछ करते हैं। चलो ये लो, ये भी मिस हो गया। ये एक चांस था कि अगर मैं इसको अवेल कर लेता तो काफ़ी चांस थे कि मैं कुछ कर लेता, लेकिन वही एक मौका मिस हो गया। इसकी 80% पावर, 60 से 70% पावर चली जानी थी यहाँ पर, क्योंकि डी के बाद कनेक्ट हुआ था उसने पाके किया यहाँ पर। शटर स्ट्राइक मारा, ओके बस मैं खुद गलत जंप, ये ऐसा डैमेज मिल गया। अच्छा माय गॉड, अच्छा ये खा लिया, ग्रैब भी खा लिया। क्या और अरे इतनी सी पावर से जीत गया हूँ। और यार ये चीज़ें खुद ही हो जाती हैं टेकन के अंदर भी, कभी कभी खुद ही चीज़ें हो जाती हैं, खुद ही मैं कंट्रोल कर रहता हूँ इमोशन जज्बात या जो भी कह लो। मतलब मोस्ट लोग वजू ही ऐसे देखे, नहीं नहीं गलत हुआ फिर सोच में पड़ गया। अच्छा मैंने यहाँ पर उसने फटाफट ड्रीम मैच कर दिया था यहाँ पर इस पोजिशन पर आकर, अगर जितना मुझे याद पड़ता है। लेकिन ना मेरी हार्ट बीट ऐसे बहुत तेज़ थी, इस तरह मुझे देख रहे मैंने ऐसे मोटी कर दिया इस तरह के, बहुत तेज़ हार्ट बीट हुई थी मेरी। और मैं बस चाह रहा था कि यार मैं मेन मैंने भी चला गया था, क्योंकि मैं सब मैं अपना थोड़ा सोचने का टाइम देना चाह रहा था कि यार अब क्या करना है। बड़ी मुश्किल से कमबैक हो गया पीछे मैंने हसन, उसको वो कार बता रहा है मुझे, हसन बता रहा है मुझे, क्या बता रहा था हसन, हसन कह रहा था कि कुछ नहीं था भाई हिम्मत रखो, इस तरह के कुछ कह रहा था कि अच्छा खेलो, इस तरह के बोल रहा था। लेकिन उसने कुछ बताया नहीं, और लाइक उसने सपोर्ट की थी कि यार आप अच्छा कर रहे हो ऐसे ही करते रहो, समथिंग लाइक दिस। इसने इस तरह की कोई बात की यार, हमारे चेहरों पे थोड़ी लाइट मार दो मैनियक्स प्लीज़ नेक्स्ट टाइम, हम बहुत डार्क कर रहे हैं। मतलब अभी अभी नोट किया ये कहाँ पे आ गए, हम गुफा के अंदर खेल रहे हैं, गार है कोई। ओके तो अभी वही हम बातें कर रहे थे आपस में। अच्छा स्टार्ट हो गया नेक्स्ट मैच, वनीसा वर्सेस वनीसा सेम, क्योंकि आई थिंक अभी जूनी का गाटो उस तरह का स्ट्रॉन्ग नहीं है, और गाटो एंटी है वनीसा का फर्स्ट पे। तो अगर किसी ने भी जिसने समी अभी समी का भाई मैं करूँगा उस पर भी एनालाइज करूँगा वाला मैच, तो समी ने पहले भी गाटो रखा हुआ था और मुझे स्विच करना पड़ा तीना पे, क्योंकि फायरबॉल वाले कैरेक्टर मेरे हिसाब से तंग करते हैं। आई थिंक तीना से तला किंग तंग करती है गाटो को फर्स्ट पर, तो और मैंने कभी छोड़े नहीं कैरेक्टर अतीना किंग, स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर मैं ज़रूर खेलता हूँ लेकिन अपनी टीम के अंदर अतीना और किंग रखता ही रखता हूँ, चाहे ये 13 है चाहे ये 14 है चाहे 15 है, मैं हमेशा से अतीना और किंग खेलता रहा हूँ जबकि मैं किंग को फाइटर स्टार्ट किया। तो ये दो कैरेक्टर मेरी टीम में रही हैं, तो वो कभी ना कभी काम आ जाते हैं मुझे। अभी किंग पे मैं मेहनत करूँगा क्योंकि मुझे लगता है क्योंकि हर एक टीम में गाटो होगा तो किंग उसका एंटी है, किंग गाटो का भी एंटी है, किंग राज को भी तंग कर सकती है, किंग टैरी को भी तंग कर सकती है, राज को इतना ज़्यादा नहीं करती लेकिन टैरी को कर सकती है। और हम इसके साथ बात करते हैं, ओके ये मैं कह रहा हूँ ना मेरी ये वाली, हाँ मेरी ही है, गलत किया मैंने यहाँ पे, मुझे यहाँ पे EX वाला मारना चाहिए था, फिर मुझे बूढ़ी 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 मारना चाहिए था। अगर नहीं समझ आ रही तो कोई बात नहीं, जिनको जो खेलते हैं उन्हें तो समझ आ रही होगी मैं क्या बात कर रहा हूँ। अभी नहीं किया ना ये मैंने, अगर लेकिन जंप आप में रुकनी है तो आपको जंप पे डी मारना चाहिए इसका क्या नाम है वनीसा का, और अगर आपने कनेक्टिंग कनेक्टिविटी के लिए जाना तो आप जंप पे अपना सी मारो, विच मीन्स मतलब सी डी ही समझो। अब मैं टेकन वाले क्या करूँ, यूनिवर्सल लैंग्वेज है, मतलब भड़ा मुका हैवी पंच लेके जाओ अगर आपने कनेक्टिविटी करनी है तो। अगर आपने अगले को जंप में रोकना है तो सबसे अच्छा है कि आप हैवी किक लेके जाओ,
और सीडी, दोनों सीडी आपने रेंज कवर करनी है। सीडी क्योंकि इसकी बेस्ट है, अभी तक आप पनिश नहीं कर पाते क्योंकि इसका हिटबॉक्स नीचे तक आता है, ऊपर से लेकर नीचे तक। आई थिंक बहुत प्यारी सीडी है, थोड़ी सी स्लो है लेकिन बहुत ज़बरदस्त है, बहुत हार्ड है पनिश करना। अब होगा पनिश लिखा है, बहुत ऊपर से कनेक्ट करवाई। ये मूव 13 में क्या कमाल होता था, मैंने बहुत ही वीक कर दिया इस मूव को, इसलिए दिल ही नहीं करता यूरी खेलने का। मैं क्या कर रहा हूँ, पीछे क्यों गया हूँ, मैं अपना ट्रैप लगा रहा हूँ, क्या बेवकूफ़ी की है। ऐसे सी देखने से आपको काफ़ी कुछ सीखने को मिलता है जब आप अपने मैचेस देख रहे होते। अगे अतीना वर्सेस, अब मैं वो वाली गलतियाँ नहीं करूँगा जो मैंने पहले की थी। मैंने दो पीछे जगह फायर बॉल बिला वजह मारे थे, मतलब फायर बॉल मारने हैं लेकिन देख कर मारने हैं, फायर बॉल ही स्ट्रेंथ है। मतलब फोकस तो फायर बॉल पर ही करना है, लेकिन ये देखा, एक फायर बॉल पर मैं उसका डैमेज कितना ले गया हूँ, 30%। फायर बॉल आपने मारते रहने हैं अतीना के साथ, ये चीज़ कभी आपने बाज नहीं आना। जिन्हें फायर बॉल आप मारोगे उतना मैं स्ट्रेंथ है इसकी, फायर बॉल करेक्टर्स की स्ट्रेंथ ही फायर बॉल है। आप कभी कभी उनके साथ फायर बॉल एक गेम नहीं करते, कोई और ही गेम प्लान में आए होते हो तो आपको फ़ायदा नहीं होता उस चीज़ का। जैसा कि अक्सर मैंने जैपनीज प्लेयर्स को देखा है, अच्छा यहाँ के साथ फायर बॉल नहीं कर रहे, दूर दूर जा रहे होते हैं, डी करा रहे होते हैं, डाउन टू करा रहे होते हैं, मुझे वजह मतलब समझ नहीं आ रही कि आप क्यों करेक्टर ही फायर बॉल वाला, तो वो फायर बॉल मारा ना उसके। और ये वाला मैच अभी अब हिट नाइस डिसीजन था उसका, यहाँ पे बहुत अच्छा डिसीजन था क्योंकि तीन खत्म करनी चाहिए उसे। यही वाला डैमेज मैंने पिछले राउंड में जब कराया था लिजबेथ को, यूडी को, तो मिस हो गया था। ये कितना गया, 70%। हाँ तब 70% चला जाना था क्योंकि डी के बाद कनेक्ट हुआ था। ओके एक जंप के बाद दूसरी जंप पर लगाओ, मेरे बार भी शीशा, तुम्हारे पास भी शीशा, कोई मसला नहीं है, एक और आ जाएगा। अगर यहाँ पर वो शीशा कराया था ना तो उसको पनिश होने की पता थी, इस पर लैप करूँगा मैं ऐसा। वापस आएगा फिर, वापस नहीं गया, मैं उसका करवाने का वेट कर रहा था कि वो खुद करवाया। ओहो नाइसू, कहाँ जा रहे थे आप। अरे जूनी की एक छोटी सी वीकनेस है, मतलब मैं नहीं बतानी चाहिए लेकिन है इसी गेम में थोड़ी सी जगह, उसे चेंज करनी चाहिए खुद भी। वो बहुत ज़्यादा रोल करता है, रोल मतलब वन प्लस लाइट किक और प्लस लाइट पंच दबाने से आप रोल कर देते हो, आप बच जाते हो, इवेसिव मूव है, तो वो बहुत ज़्यादा करता है, उसको पनिश है भाग कर। वो मैं उसे पता था कि इसकी गेम के अंदर ये चीज़ बहुत ज़्यादा है, जंपिंग बैक बैक भी बहुत ज़्यादा है और रोल भी बहुत ज़्यादा है। तो वो वाला मेरे जहन में इसकी इमेज बनी थी कि इसे करना ही करना जो मर्जी हो जाए। ओके तो मैं जीत चुका हूँ, नाइस नाइस नाइस, पीछे वैसे नहीं बैठा मैं। हाँ बोली भाई, काफ़ी मुश्किल था पहला राउंड निकाला। देखें ज़रा इनके चेहरे कैसे जगमगा रहे हैं, ऐसा क्यों है, हमारे चेहरों पे क्या क्या वजह है, हमारे चेहरे क्यों नहीं जगमगा रहे थे वहाँ कास्टर्स। यार बहुत अच्छा, अच्छी जोक कर रहे हैं पाकिस्तान के लिए, बहुत आई थिंक हमारे लिए एसेट हैं दोनों। मतलब इन्हें काफ़ी हेट भी मिलता है पता नहीं किस वजह से, लेकिन हमारे लिए एसेट हैं और ये पाकिस्तान की FGC के आई थिंक टॉप 2 कमेंटेटर्स हैं आपके सामने। इनसे अच्छी पाकिस्तान में मेरे ख्याल से कोई कमेंटेटर नहीं कर रहा अभी तक। बावकार तो बहुत एक्सपीरियंस है और ये सिल्वर फॉक्स नहीं आया है, ये भी बहुत अच्छा, बहुत जल्दी इन्होंने सीख लिया चीज़ को। हर ये अलग टॉपिक हम बाद में बात करेंगे, तो होपफुली आपको मज़ा आया होगा मैच देखने का। तो अब मैं दोबारा इंशाल्लाह यूट्यूब पर काम करना स्टार्ट कर रहा हूँ, लेकिन अलग तरीके से और एनालाइजिंग और करूँगा, लाइक मैच एनालाइजिंग होगी अब ज़रा कॉन्टेंट पर। तो ओके तो सब्सक्राइब करना ना भूलना, और फिर हम अगली वीडियो में अब करते हैं एनालाइज जुहेब टॉक्स का मैच अपने साथ। ओके सी।